हेलो गाइस, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं रूफटॉप गार्डन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं मेरे गार्डन में दो पपीते के प्लांट मतलब पपाया प्लांट लगा हुआ है, उसका अपडेट कैसा है और इसमें पपाया लगा है कि नहीं, और इन सब पौधे को मैं कैसे केयर करता हूं उसके बारे में शेयर करूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे दो पपाया प्लांट है, एक तो बहुत ही बड़ा है, ये ऑलमोस्ट 7 फीट के ऊपर हो चुका है, और उसी के पास ही है एक नया पपाया प्लांट जिसको मैं शायद 35 या 40 दिन हुआ होगा ग्रो किए हुए। ये एक हाइब्रिड वैरायटी है जिसके पत्ते की साइज़ आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा बड़ा है। और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, मैं दोनों प्लांट को ही मेरे छत के ऊपर जो कैरी मतलब बॉक्स बनाया हुआ है उसके अंदर मैं ग्रो किया हूँ। लेकिन हाल ही में ही कुछ लास्ट एक हफ्ते से मेरे प्लांट का ग्रोथ देखिए कैसे थम चुका है, पत्ते येलो हो रहे हैं और झर रहे हैं, लेकिन इससे पहले ग्रोथ बहुत ही अच्छा था। अचानक से हो सकता है तेज बारिश के कारण प्लांट का ग्रोथ रुक चुका होगा या फिर पानी जमा होने के कारण पत्ते खराब हो रहे होंगे, लेकिन जो भी हो लास्ट 7 दिन में मेरे प्लांट का ग्रोथ एकदम ही थम चुका है। हालांकि मैं इन पौधों पे अभी तो कुछ फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया नहीं हूँ क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, इन दौरान फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने की खास ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं किसी प्रकार फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल लास्ट 1 महीने में किया नहीं हूँ। लेकिन इससे पहले मैं मस्टर्ड के एक लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था और प्लांट को जब मैं ग्रो किया था तब नीम डस्ट और वर्मी कंपोस्ट देकर मैं प्लांट को ग्रो किया था। इसके अलावा आप काउडंग भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप NPK 20-20-20 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरे जो प्लांट है उसका ग्रोथ जैसे कि मैं बताया अचानक से थम चुका है, लेकिन मेरे जो दूसरे प्लांट है जो पुराना है 1 साल पुराना, उसमें इससे पहले एक पपाया लगा था और प्लांट का ग्रोथ हालांकि अभी तक तो सही है, बीच में इसके ग्रोथ भी रुक चुके थे। तो ये प्लांट पे मेरे कुछ अभी नए से फ्लावरिंग शुरू हुआ है और पपाया बनना शुरू हुआ है। तो पपाया प्लांट को आप साल में किसी भी समय ग्रो कर सकते हैं, सीड से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। मेरे प्लांट तो हाइब्रिड वैरायटी है और मैं इन सब प्लांट को सीड से ग्रो नहीं किया हूँ, मैं नर्सरी से ख़रीद कर लाया था 20 रुपये पर पीस, जो मेरे पास अभी फ्लावरिंग कर रहा है, और अभी जो छोटा है दोनों प्लांट को ही मैं नर्सरी से ख़रीद कर लाया था। तो जैसे कि मैं बता रहा था, मेरे प्लांट पे पपाया बनना शुरू हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक पपाया ऑलरेडी लग चुका है और अभी बहुत सारे फ्लावर आ रहे हैं और पपाया बनने वाला है। तो पपाया प्लांट की अगर लाइफ स्पैन की बात की जाए तो 5 साल तक ये रहते हैं और इसमें पपाया बनता है, और उसके बाद प्लांट ऑटोमेटिकली सूखने लगते हैं, उसके बाद आप नए से दोबारा प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं प्लांट को मेरे कैरी के अंदर ग्रो किया हूँ, तो आप अगर चाहते हो आपके प्लांट आप भी प्लांट को कैरी के अंदर या फिर पॉट के अंदर ग्रो करना, तो आप एटलीस्ट 18-20 इंच पॉट के अंदर प्लांट को ग्रो कर सकते हो और इसमें आपको अच्छा खासा पपाया मिलेगा। लेकिन प्लांट आप हमेशा हाइब्रिड वैरायटी ही खरीदा कीजिए, इससे प्लांट ज़्यादा लंबा नहीं होता है और छोटे प्लांट पर ही पपाया बनते हैं, तो आप हमेशा हाइब्रिड वैरायटी ही खरीदा कीजिए। तो अगर आप नर्सरी से प्लांट खरीदते हो तो आपको 20 से 30 रुपए के अंदर एक हाइब्रिड वैरायटी मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये तो था मेरे दो पपाया प्लांट का अपडेट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया, जो एक बहुत पुराना है और एक को मैं हाल ही में ही ग्रो किया हूँ। हालाँकि दोनों का हालत तो अभी बहुत अच्छा नहीं है, तो फिर भी जो भी हो इसका अपडेट मैं आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।